हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। जितने भी पबजी प्लेयर्स हैं और जो हार्डकोर गेमिंग करते हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप पबजी खेलते हो तो आप अपने बजट के हिसाब से आपके लिए कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैंने टॉप 5 ऐसे फ़ोन लिए जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं और जो सबसे बेस्ट हैं पबजी के लिए, सब को इधर हटा के जितने भी और डिवाइसेस हैं। तो अब इस वीडियो में हमने लिए हैं जो फ़ोन, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो रेडमी का K20 प्रो, आईफोन XR, आईफोन 11 प्रो या 11 जो मर्जी, एक पोको का F1। सो ये फ़ोन हमने लिए हैं अब, और एक OnePlus 7T। अब इन सभी फ़ोनों को मैं आपको बताऊंगा कि भैया आप किस प्राइस रेंज में कौन सा ट्राई करें। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं OnePlus 7 के साथ। तो भाई जो OnePlus 7 है, एक तो आता है स्नैपड्रैगन 855 के साथ एंड्रॉयड वाली साइड में, जो कि करंटली लेटेस्ट प्रोसेसर है। इससे ऊपर अभी तक कोई प्रोसेसर नहीं आया। तो अगर आपको एंड्रॉयड ही चाहिए और अगर आपका बजट है 40 to 50,000 स्पेंड करने का, तो आप OnePlus 7 के साथ जा सकते हैं। बट इसके भी काफ़ी कॉन्स हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको 40 to 50,000 लगाना ही है और अगर सिर्फ एंड्रॉयड में ही चाहिए आपको डिवाइस डुअल सिम में एंड्रॉयड में, तो ही आप OnePlus 7 के साथ जाइएगा। वरना इतना पैसे लगाने के बाद आपको और भी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब इसमें बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इसमें 90 FPS की डिस्प्ले है जो OnePlus 7 सपोर्ट करता है, और PUBG 60 FPS में है, तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा मैं बिल्कुल नहीं मिलेंगे, माइनर फ्रेम ड्रॉप्स बिल्कुल मिलेंगे भाई, क्योंकि एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में फ्रेम ड्रॉप्स होंगे ही होंगे। आप जितना मर्जी महंगा फ़ोन ले लीजिए। तो यहाँ पे ख़त्म होती है OnePlus 7 की बात। सो अब बात कर लेते हैं हम आपसे रेडमी के K20 प्रो के बारे में। तो Redmi का K20 जो प्रो है, ये 25 to 28,000 के बीच में आता है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी कितने GB एंड कितने स्टोरेज वाला वेरिएंट ले रहे हैं। सो इसमें भी जो प्रोसेसर है वो 855 ही है स्नैपड्रैगन का, एंड आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं पूरी इसकी मैं स्पेसिफिकेशंस की आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। एक तो भाई Redmi पे मैं सही बताऊँ, मेरे को ट्रस्ट नहीं है उतना। एक रेडमी का पोको ही मॉडल है, उस पर मेरे को ट्रस्ट है। बट लोगों को रेडमी के K20 प्रो वगैरह यूज़ करने में मतलब मज़ा आ रहा था, सो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। और वैसे फ़ोन अच्छा है नो डाउट, बट मेरे को रेडमी पसंद ही नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ तो एक MIUI 10 के साथ आती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें गेम टर्बो है। तो गेम टर्बो एक तरह से गेमिंग मोड ही है, जो स्पेशली मतलब गेम्स खेलते हैं जो उनके लिए दिया होता है। और जो लोग OnePlus यूज़ करते हैं उनको भी पता है, OnePlus में तो फैनेटिक मोड ही आता है भाई, उससे ऊपर तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये सब सीन है, और इसकी बैटरी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। सो आपको कोई इशू नहीं आएगा बैटरी वगैरह का भी। आप एक बार फुल चार्ज करेंगे तो आप कम से कम भी 4 से 5 गेम निकाल सकते हैं। 4 से 5 नहीं भाई, 7-8 तो निकाल ही लेंगे आप। 15 to 17% एक बार में हो जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं पोको की। पोको भी रेडमी का ही है, बट भाई पोको चीज़ कुछ अलग है। इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है 845 855 नहीं मिलता। बट भाई अगर आपको बजट वाली साइड जाना है तो पोको से बढ़िया आपको कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती इस रेट में भाई। 15,000 रुपये में 845 प्रोसेसर कहीं मर्जी भाई, जितने मर्जी मंदिर मस्जिद में माथा टेक लो, आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटेड लिख के बोल रहा हूँ। और भाई जो परफॉर्मेंस ये दे रहा है ना पबजी के लिए, जहर भाई जहर, ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं मिलने वाली आप लोगों को, इतना मैं आपको गारंटेड दे रहा हूँ, गारंटेड। एक इसमें प्रोसेसर में लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे ही आप गेम खेलेंगे तो क्या होता है, आप देखते होंगे फ़ोन वार्म अप हो जाता है। तो लिक्विड कूलिंग का मतलब यही होता है कि भाई फ़ोन को वो ठंडा कर देगा, तो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस और बूस्टअप हो सकेगा। और प्रेफर मैं आप लोगों को ये करूँगा कि आप 8 GB या 256 GB वाले वेरिएंट लें, क्योंकि छोटा वेरिएंट लेंगे आपको स्टोरेज वगैरह का इशू आएगा। ये सब सीन है। और सबसे मेन बात, अपना टॉप मॉडल ले लिए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सामान और भी भरना पड़ता है भाई, ऐसा तो है नहीं आप इसे सिर्फ पबजी डालिए। तो भाई
वो 256 GB ही लेना मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा और ज़्यादा रेट में फ़र्क भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं भाई अमीर लोगों के बारे में जिनके पास अंधी माया, भाई अंधी माया। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई वन प्लस 11 गेमिंग के लिए फलाना ढिमकाना, तो भाई मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, वो वन प्लस कह रहा हूँ सॉरी आईफोन 11 जो फ़ोन है उसको मत लेना प्लीज़, गेम के लिए बिल्कुल भी मत लेना। सो क्या ले सकते हो, अगर आप स्पेशली गेमिंग की तरफ जा रहे हो तो आईफोन 11 को बिल्कुल मत लेना। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं उनके पास है और उनको गेमिंग करते हुए काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं अभी वन प्लस इसमें आईफोन 11 में, सॉरी मैं बार बार वन प्लस बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो टच इश्यूज आ रहे हैं आईफोन 11 में जब वो गेमिंग करते हैं, शूट नहीं होता कभी एक बार प्रॉपरली, और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और साथ में आपको इसमें मिलती है भाई स्लो चार्जिंग, सबसे मेन बात फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, बट जो चार्जर कंपनी देती है वो तो स्लो चार्जर देती है। अगर आपको फास्ट चार्जर लेना है तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये और खर्चने पड़ेंगे। सो भाई वही है ना, अंधा माया हो तो लगा लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर अंधी माया भी हो और आप पैसा गेमिंग के लिए लगा रहे हो तो भी भाई 11 के साथ मत जाना आईफोन, आप भाई जाइए आईफोन XR के साथ। अगर आपको बेस्ट गेमिंग फ़ोन चाहिए, मैं वन प्लस यूज़र्स को भी यही कह रहा हूँ, अगर आपने वन प्लस पे जाना चाह रहे हैं तो वन प्लस पे बिल्कुल भी मत जाना भाई, आईफोन XR लीजिए, सबसे बेस्ट फ़ोन है भाई गेमिंग के लिए हर चीज़ के मुकाबले। भाई आप लोग एक चीज़ देख लेना, मोटल है उसको वन प्लस स्पॉन्सर करती है बट वो गेमिंग कभी भी उसको चेक कर लेना, खेलता किस पे है आईफोन पे। स्काउट को देख लो, जितने भी आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स देख लो सबकी भाई गेमिंग परफॉर्मेंस देख लो, A to Z आपको XR पे ही खेलते मिलेंगे, ना कोई X पे खेलता मिलेगा ना आपको कोई 11 पे। उनका तो भाई इतना ज़्यादा बजट है वो कुछ मर्जी खरीद सकते हैं आज की डेट में, उनके पास इतनी अच्छी इनकम है, बट वो भी XR पे ही खेलते हैं क्योंकि भाई XR जो फ़ोन है वो गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट है। आप बड़े से बड़ा यूट्यूबर देख लो, अगर कोई गेमर है मैक्सचन देख लो, वो उस पर करता है XR पे गेमिंग। सो भाई जो XR चीज़ है ना वो नेक्स्ट लेवल बनाई हुई है, अभी तक कोई इशूज़ नहीं आ रहे जो बंदे भी XR पे गेमिंग कर रहे हैं, सबका सबसे बेस्ट अभी तक का आईफोन है अगर गेमिंग की तरफ जाना है आपने। और अगर वन प्लस भी लेना चाह रहे हैं ना तो भाई वन प्लस का भी आइडिया ड्रॉप करके, अगर आपको आईफोन से इशू नहीं है तो आप आईफोन की तरफ जाइए 100% जाइए, क्योंकि मैं वन प्लस 7 यूज़ कर रहा हूँ और आईफोन XR भी यूज़ किया है और दोनों में ना भाई जहर वाला फ़र्क है, जहर वाला परफॉर्मेंस वाइज बात कर रहा हूँ मैं आपसे। एंड्रॉयड भाई कभी भी आप लोगों को ओवर परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता। तो गाइज़ अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई जो फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अगर आपको फ़ोन ही लेना ना तो भाई अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो आप जाइए पोको की तरफ, और अगर आपका बजट है 40 to 50 thousand स्पेंड करने का तो भाई आप लोग नो डाउट आईफोन XR की तरफ जाइए। और कई लोग बोलेंगे आप इसमें वन प्लस 7 ले सकते, तो भाई वन प्लस 7 जो है प्रो उसमें क्या सीन है, उसमें कैमरा ऊपर निकलने वाला होता है, पॉपअप कैमरा होता है, तो उसमें काफ़ी वो देर लगती है फेस उन लोगों वगैरह में। तो मैंने सबसे इसमें बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ही फ़ोन्स लिए हैं और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियोज़ को शेयर कर देना और एंड लाइक ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।